बता दें, पिछले दिनों पैगंबर इस्लाम के खिलाफ नरसिंहानंद ने जो अभद्र टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी द्वारा एफआईआर दर्ज कराने सदर बाजार पुलिस थाने पहुंची, जहां पुलिस द्वारा इस मामले में आवेदन लेकर जांच कर अपराध दर्ज करने की बात कही गई। गौरतलब है कि इंदौर सहित देश भर में मुस्लिम संगठन लगातार अलग अलग फॉर्म पर नबी की शान में गुस्ताखी करने के मामले में अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। पिछले दिनों इंदौर में भी आईमा काउंसलिंग ने भी पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा था। आज हम पैगंबर इस्लाम के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी करी यदि नरसिंहानंद ने, जो गाजियाबाद ज़िले में रहते हैं, उन्होंने पैगंबर साहब पर अभद्र टिप्पणी करी है और उसके पहले भी कई बार कर चुके हैं। उसी के खिलाफ यहाँ एफआईआर और एनएसए की ठोस कार्रवाई के लिए आए थे हम लोग। क्या कहना है पुलिस का? पुलिस का कहना है कि वो इस मामले को संज्ञान में लेंगे और जाँच करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। मैंने कमी भी हो गई थी, आप एफआईआर की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने बोला कि मैंने बाकायदा लिखित में सूचना दी थी कि हम एफआईआर के लिए आएंगे, लेकिन डीए साहब का कहना था कि वो ज्ञापन दें और हम जांच करेंगे, उसके बाद एफआईआर करेंगे। यदि एफआईआर नहीं होती तो क्या? एफआईआर नहीं होगी तो हमको माननीय न्यायालय कोर्ट का दरवाजा हमारे लिए खुला है, वहाँ जाएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि जब मुस्लिम समाज के अलावा अदर कास्ट का कोई अभद्र टिप्पणी इस्लाम के या इस्लाम के मानने वाले या मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी करते हैं तो उनके लिए खुली छूट हो जाती है, ना तो उन पर कोई कार्रवाई होती है, ना ही उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ होती है जिससे दूसरा इस काम को अंजाम ना दे, उसके लिए रोक हो। लेकिन यहीं अगर मुस्लिम समाज का मानने वाला अगर कुछ ऐसी चीज़ कर देता है, जैसे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो पिछले एक साल से तकरीबन अंदर हैं, जबकि उन्होंने कोई ऐसा आपत्तिजनक शब्द नहीं कहा था, कि ना तो किसी धर्म के लिए था ना किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए था, लेकिन उनको पासा एक्ट में अभी तक अंदर कर रखा है। आजाद समाज पार्टी द्वारा विगत दिनों गोरखपुर में हुई घटनाक्रम के संबंध में एफआईआर पंजीबद्ध कराने के लिए ज्ञापन दिया गया है, तो जो भी विधि अनुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या मांगे उनकी? एफआईआर पंजीबद्ध करने की मांग थी, अब उसमें उनसे ज्ञापन लिया गया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई उस ज्ञापन के अनुसार होगी उस पर की जाएगी।